अस्सलाम वालेकुम बेटा, एजुकेशन का आज हमने लेक्चर नंबर 17 करना है। हमने मुश्किल सवालात शुरू किए थे जो कि मैंने आपको दो करवा दिए थे, फर्स्ट और सेकंड आपको, सॉरी फर्स्ट करवा दिया था, सेकंड आज करवाऊंगी आपको। तो क्वेश्चन नोट कर लें, अपनी नोटबुक रेडी करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मैंशन करें, मार्कर और पेन का यूज़ करें, इसमें इंक पेन, ठीक है। और उसके बाद काम शुरू कर दें। क्वेश्चन लिखे, सकाफती विरसे का तहफ्फुज़ और मुंतकली से क्या मुराद है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके मैं आंसर आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ, इसका जवाब लिखना शुरू करें। हेडिंग देखिए, अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। सकाफती विरसे का तहफ्फुज और मुंतकली, तहफ्फुज भी हिफाजत और मुंतकली आगे पहुंचाना। हर मुआशरा चाहता है कि उसके तहजीबी विरसे की हिफाजत हो, उसके तहजीबी विरसे की हिफाजत हो और उसे उसकी नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। ये काम कोई भी मुआशरा अपने तहजीबी रिश्ते के तहफ्फुज़ और तसलसल का फरीजा तालीम के बगैर सरंजाम नहीं दे सकता। तालीम के जरिए से मुआशरा अपनी तहजीब और सकाफत की हिफाजत करने के साथ साथ उसे आइंदा नस्लों की तरफ भी मुंतकिल करता है। आज के दौर में म
معاشرہ کی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں معاشرہ یہ لائن جو میٹ ہو گئی ہے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی یہ ذمہ داری اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں نے لے لی ہے پیراگراف چینج کریں ماہرین تعلیم معاشرے کے نظریات اور اس کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب تعلیم ترتیب دیتے ہیں نصاب میں معاشرے کی مذہبی اقدار معاشرتی اقدار تہذیبی اقدار فنی اقدار وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے اساتذہ نصاب کے ذریعے طلبہ کو یہ تمام باتیں اور معلومات دیتے ہیں طلبہ انہیں اپنا کر تمام باتیں اور معلومات جو دیتے ہیں اساتذہ تو طلبہ ان باتوں کو اپنا کر معاشرے سے مطابقت پیدا کرتے ہیں
फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करें, सकाफती विरसे का तहफ्फुज़ और मुंतकिली। दो हिस्से हैं, यानी एक तहफ्फुज़ अलग हिस्सा है, मुंतकिली अलग हिस्सा है। उनकी वजाहत इस तरह है कि किसी कौम के विरसा में इसका नजरिया हयात रहन सहन के तरीके अदब रिवायात फन तमीर सोच के अंदाज लिबास मेलजोल के आदाब और तरीके शामिल हैं। हर कौम अपने इस वर्षा को महफूज रखना चाहती है। और इसमें मनफी अशिया भी हैं, यानी कि उनको महफूज रखना चाहती है, चाहे उसमें मनफी अशिया भी हों। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया होगा। फिर इस पर पैराग्राफ चेंज करें। हर कौम ये चाहती है कि उनके दौर में उनके विरसा को महफूज रखा जाए। और वो विरसा आने वाली नस्लों को भी दिया जाए। सिर्फ देना ही मकसूद नहीं, बल्कि इसका तहफ्फुज इससे काम भी मकसूद है। ये तो
एजुकेशन ऐसा तरीके से करती है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन आपका बेटा कंप्लीट है सेकंड क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हो गया है थर्ड है फर्द की नशोनुमा तालीम फर्द की नशोनुमा करती है मिसालों से वजाहत करें सवाल नंबर तीन तालीम फर्द की नशोनुमा करती है मिसालों से वजाहत करें इसकी दें तालीम और फर्द की नशोनुमा अफलातून के नजदीक तालीम में कैसा अमल है की तंजीम का काम अंजाम देता है इसमें फर्द की जिस्मानी साहियतों की इस तरह परवरिश की जाती है कि उसकी शख्सियत की तकमील कोई कमी ना रहे ओके बेटा इसके साथ ही आपका लेक्चर कंप्लीट है बाकी आपको इसमें पार्ट कल करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर थर्ड